कुछ रेजिड्यू जो रहता है वो कल दोपहर को भी किसी किसी जगह देखने को मिलेगा, लेकिन मेन सिस्टम आज रात या अर्ली मॉर्निंग में, कल 3 तारीख की अर्ली मॉर्निंग में ओवर हो जाएगा। बाकी रहा रेनफॉल का सवाल, वो आज भी हमने ऑरेंज वार्निंग दी थी और दी है आज भी, और वो रहेगी अभी हेवी टू वेरी हेवी भी चंद एक मुकामत पर, खासकर पीर पंजा रेंज जो बद्रवास से बानिहाल एक्सिस है, इसमें देखने को मिलेगी आज रात को। जबकि कश्मीर डिवीजन में, खास तौर पर नॉर्थ डिवीजन में थोड़ा कम ही इसका असर आएगा, लेकिन स्नोफॉल वाइज नॉर्थ में ही रहेगा, रेनफॉल साउथ में लेकिन नॉर्थ में स्नोफॉल हो जाएगा। साथ में ही आपको आज खास तौर पर तेज हवाएं 30-40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी गस्ती देखने को मिलेगी पूरी J&K में, तो जम्मू में खास तौर पर उसके साथ थंडर भी होगी और एक दो जगह हेल भी होगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि एज पर एडवाइजरी हमारा फोरकास्ट ठीक जा रहा है और कल सुबह तक ये सिस्टम पहले ओवर हो जाएगा, फिर 2-4 दिन ठीक निकलेंगे। लेकिन 7 तारीख को एक और फीबल डब्ल्यूडी आ रहा है, वो 6 से क्लाउडीनेस हो जाएगी उससे, लेकिन 7 तारीख को वो चंद एक मुकाम पर, खासतौर पर श्रीनगर में भी आफ्टरनून में हल्की बर्फबारी हो सकती है। तो ठीक, मतलब ये मार्च, और अगर हम 110 साल की पिछले 120 साल की डाटा पर नजर डालेंगे, फरवरी और मार्च ये वेटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर होते हैं, यानी कि 66% डेज रेन, यानी 3 दिन में से आपको 2 दिन रेन मिलेंगे, 1 दिन ड्राई मिलेगा, ये 120 साल की एवरेज है। अब किसी साल थोड़ा कम होता है, कोई ज्यादा, ये नॉर्मल ही है, इसमें ज्यादा उतना हेर फेर नहीं है। तो आपको गुलमर्ग से हमारी ऑब्जर्वेटरी ने वहां 38 सेंटीमीटर 24 घंटे में उसकी स्नो डेप्थ एकोमोडेशन हुई है, तो कुल मिलाकर वो कम से कम अगर खाली स्नो मानते तो वो 2 फीट के बराबर लगता था, क्योंकि 62 मिलीमीटर बारिश वहां हुई, मिला के बारिश हो रही है, फिर भी डेप्थ स्नो जो ताजा आज 24 घंटे में देखने को मिली वो 1.25 फीट वहां से मिल गया। इसी तरह जो राजधान टॉप है या ये सारे टॉप बंद हो गए, पीरकी के लिए सारे बंद हो गए हेवी स्नोफॉल। अब कितना हेवी है तो वो आने वाले दिन में ही पता चलेगा, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेटरी उतने हाई टॉप्स पे नहीं है, लेकिन अंदाजा यही है 2 फीट के आसपास राजधान टॉप, सिंथन टॉप और इसमें साधना गली पे हुआ है। जहां तक बारिश का सवाल है कि जो जैसे हमने कहा था आइसोलेट हेवी रेन भी हो जाएगा, स्नो भी हो जाएगा, वही बराबर चल रहा है इंशाल्लाह। तो एज पर एडवाइजरी अभी कोई चेंज नहीं है, ये जो कि तू है कल मॉर्निंग तक सिस्टम ये पहले ऐसे ही रहेगा, फिर भी इसका कुछ रेजिड्यू जो रहता है वो कल दोपहर को भी किसी किसी जगह देखने को मिलेगा।